के इससे पहले 2 मिनट ताली बजाते हुए मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान की वंदना, आगे भगवान की कथा श्रवण करेंगे। तो ताली बजाते हुए बोले सभी लोग, जय जय गणपति देवा, तेरी संत करे सेवा। जय जय गणपति देवा, तेरा ध्यान धरे झुकाते हैं। जय जय गणपति देवा, प्यारे हम पहले तुम्हें मनाऊं तो मना, गौरी के लाल चरणन शीश झुकाऊं, तेरा ध्यान धरे गुणगान करे हम तुम्हें मनाते। ओ गौरी के लाल चरण हम शीश झुकाते हैं। तुम मूसे की सवारी हो सवारी, गौरी के लाल रक्षा करो हमारी, गौरी के लाल रक्षा करो हमारी। परिचित जी कथा प्रसंग कहीं और।
श्री व्यास आसन पर बैठे हुए सूत जी महाराज सोन कादिक ऋषियों को भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं, सोन कादिक ऋषियों, भगवान की कथा एकाग्र मन और चित्त लगा करके श्रवण करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी, और ये सत्य है, जो लोग भगवान की कथा एकाग्र मन और चित्त लगा करके श्रवण करते हैं, वो लोग दुनिया के कलेशों से हमेशा दूर रहते हैं। अभी आप लोग सुन रहे थे महाराज आत्मदेव की पावनमयी कथा। एक बात परीक्षित जी और बता देना चाहते हैं, कोई भी भगवान की कथा हो और वो कथा अगर हम आप एकाग्र मन लगा करके श्रवण करते हैं, तो वो कथा हमें आपको जीना सिखाती है, अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता बताती है। अभी कथा सुन रहे थे महाराज आत्मदेव की, तो परीक्षित जी, आत्मदेव की कथा से हमें आपको क्या शिक्षा मिली? ऐसे ऐसे महान पुरुष इस धराधाम पर हुए, जिन महान पुरुषों के जीवन में परीक्षित जी कभी सुख नहीं देखने को मिला, लेकिन फिर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आत्मदेव जो थे परीक्षित जी, ये बहुत दुखी थे, सीधे साधे ब्राह्मण थे, लेकिन दुख इनके जीवन में बहुत थे। पहला दुख तो ये था कि पत्नी कर्कशा थी, यानी बात बात पर गालियां देना, ये धुंधली का स्वभाव था। पंडाल में हमारी माताएं बैठी हैं, आप लोग ये मत सोचना कि धुंधली पति को गालियां देती थी तो शाम से हम भी शुरू करें, नाई नाई बिल्कुल नहीं। ये भगवान की कथा है, लेकिन धुंधली पति का अपमान तो किया करती थी। कथा पूरी सुनेंगे तो उसका सारांश निकल के आएगा कि धुंधली की दशा क्या हुई। मेरी बहनाओं, और कभी कभी परीक्षित जी ये कथा भी उल्टा प्रभाव डाल देती है। कथा जो है ये भी कभी उल्टा प्रभाव डाल देती है, अगर उसे मन लगा के ना सुना तो। एक सत्य घटना में आपको बता रहा हूं, एक जगह कथा हो रही थी तो पंडित जी कथा कह रहे थे, सीटी बंद करो, तो बूढ़ी माता जी ने अपनी बहू से कही, बहू बोले हाँ, बोले कथा हो रही है, तुम कथा सुने आओ। तो बहू बोली, देखो माता जी, कथा सुनने का आज तुम्हारे पास समय है, हम आज बिजी हैं, हम कल देखेंगे। तो बूढ़ी माता जी माताओं कथा सुनबे को पंडाल में पहुंची। रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा था तो पंडित जी कथा कह रहे थे। जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ जनकपुरी में परीक्षित जी माँ सुनेना ने अपनी बेटियों को बुलाया और कहा है कि है सीता, अब तुम्हारा विवाह हो गया, ससुराल में जाने के बाद ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे तुम्हारी शिकायत हमारे पास में आए। परीक्षित जी, मां सुनेना ने सीता को, उर्मिला को, मांडवी को, श्रुतकीर्ति को समझाया और सेवा करना सास ससुर और पति की, ये सुनेना ने समझाया। बूढ़ी माता जी कथा सुन रही थी, कथा प्रसंग समाप्त हुआ, अम्मा लौट के घर पे आई तो बहू से बोली, बहू बोले हाँ, कथा बहुत बढ़िया हो रही है, पंडित जी कह रहे थे कि बहू सास ससुर की सेवा करे। तो परीक्षित जी बोले ठीक है, सेवा तो होती थी। दूसरा दिन नंबर आया बहू का, तो परीक्षित जी उधर से जनकपुरी से कथा आ गई अयोध्या में। जब चारों पुत्र वधुएं आ चुकी हैं तो महाराज दशरथ ने परीक्षित जी सुनेना से कहा कि हे सुनेना,
महाराज दशरथ ने परीक्षित जी माफ करना कौशल्या से कहा कि हे कौशल्या, अब तुम्हारे घर में चार पहुए आ चुकी हैं, एक काम करो, आज से तुम अपनी चारों बहुओं का ख्याल रखना, अगर कोई मुसीबत है तो इनकी सेवा करना। यानी दशरथ जी ने कौशल्या को समझाया। तो अब बहू कथा सुन रही है, तो परिचित जी कथा प्रसंग समाप्त हुआ, बहू घर पे आई, आराम से लेट गई। सास ने पूछी, बहू काम काज नहीं करे? बोले ना, पंडित जी कह रहे थे कि सास बहू की सेवा करे, अब तक हमने तुम्हारी सेवा करी और अब तुम हमारी सेवा करो। तो कथा भी परिचित जी कभी कभी उल्टा प्रभाव डाल देती है। इसीलिए बहनाओ, आत्मदेव के आंगन में पहला दुख था कि पत्नी कर्कशा थी, दूसरा दुख कोई संतान नहीं, तीसरा दुख परिचित जी संतान भी है फिर भी कष्ट है।